नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोक बीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, ताकि आने वाले टाइम की जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो वो आपको सीधे पहुँच सके और आप सीधे उस जानकारी को आप प्राप्त कर सकें और आने वाली जो आपके किसी व्यक्ति के साथ ब्लैकमेलिंग, ठगी या फ्रॉड हो सकता है उससे आप बच सकें। तो हमारी एक कोशिश है जो कि आप तक एक जानकारी पहुंचाने की, तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, आप तुरंत सब्सक्राइब करें और लोगों तक बताएं, ताकि आपके साथ साथ में और भी लोगों को जानकारी हो सके। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो फिर आप अपने माउथ टू माउथ ऐड करें, ताकि लोगों को पता लगे करें। आप दो को बताएंगे, दो चार को, चार आठ को, और ऐसे ही ये जो जानकारी है वो स्प्रेड हो जाएगी। कॉमन जो क्वेश्चन है जो मेरे पास मतलब लोग फ़ोन करते हैं, बताते हैं मुझे, उनमें से कॉमन क्वेश्चन है, जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की कोई वीडियो बना लेता है, कोई जो वीडियो बनती है जो कि उसके बाद ब्लैकमेल किया जाता है, उस वीडियो को बना के उसी व्यक्ति को उसी के मैसेंजर या फिर फेसबुक पर जो फ्रेंड हैं उन्हीं फ्रेंड को शेयर की जाती है, भेजी जाती है उनको, और उसी का स्क्रीनशॉट लेकर आपको भेजा जाता है कि देखो मैंने इन लोगों को, आपके दोस्तों को, फ्रेंडों को, फ्रेंड्स को ये भेज दिया है वीडियो, अब आप बच लो, क्या करना है क्या नहीं करना है आप बताइए। और लोगों को चाहते हैं तो मैं और को भेज सकता हूँ या भेज सकती हूँ, आप मुझे ये जो रकम है इतनी जो मैं मांग रहा हूँ वो आप दें, वरना मैं और लोगों को भी शेयर कर दूँगा, ऐसी धमकी दी जाती है आपको। तो ऐसे समय पर आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से जानना है, ताकि आप इन सब चीज़ों से अवेयर हो सकें, जागरूक हो सकें। और ऐसा जो क्वेश्चन है जो मेरे पास कई बार आया, तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना इस बात से जागरूक किया जाए, जानकारी आप तक पहुंचाई जाए और आप उस चीज़ से अवेयर हों। तो बहरहाल आज यही इसी बात के ऊपर हमारी जो वीडियो है, बताते हैं आपको कि क्या, किस तरीके से ये जो ब्लैकमेलर हैं, जो आपकी वीडियो है वो कहीं पर शेयर करते हैं, कहाँ कहाँ कर देते हैं और क्या रास्ता है उसको बचने का। तो बहरहाल हमारी इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले टाइम की जो वीडियो है वो आपको डायरेक्ट पहुंच सके और आप उस चीज़ से जागरूक हो सकें। तो हुआ कुछ यूं कि ये हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें फ़ोन कर बताया, जो कि मध्य प्रदेश से हैं, बिलोंग करते हैं, और इन्होंने बताया कि सर मैंने अभी रिसेंट में एक नया फ़ोन लिया था। तो फ़ोन ऐसे लिया था क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे जानकार जितने भी सब हैं वो बड़ा फ़ोन रखते थे। पहले मेरे पास छोटा फ़ोन था, बेसिक फ़ोन, जो कि कीपैड से चलता था, और आज मेरे पास स्मार्टफोन है, बड़ा फ़ोन मैंने लिया। तो मैंने फेसबुक और व्हाट्सअप को मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया, जहाँ पर कि काफ़ी लोग मुझसे जुड़े और मैंने उनको जोड़ा। और फेसबुक पर मेरे फ्रेंड कुछ कम थे, तो मैंने फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी, उनमें से किसी एक गलत व्यक्ति को रिक्वेस्ट चली गई, क्या लड़की थी वो, तो उसने मुझे मेरे मैसेंजर पर चैट करनी शुरू कर दी। और चैट के दौरान उसने मुझसे बहुत सारी बातें पूछी कि क्या करते हो, क्या नहीं करते, मैं आपके दोस्त बनना चाहती हूँ, और बहुत सारी ऐसी बातें हुई फेसबुक मैसेंजर पर। और उसके बाद उसने मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर लिया, और व्हाट्सअप नंबर लेने के बाद उसने मुझसे वहाँ पर बात करी, और वहाँ पर बातें करते करते बहुत ज़्यादा समय मैंने उसके साथ स्पेंड किया व्हाट्सअप पर। और फिर उसने मुझे कहा कि आप वीडियो कॉल करना चाहोगे, ताकि मैं आपसे रोमांटिक बातें करना चाहती हूँ। तो उसी दौरान उनके पास वीडियो कॉल हुआ, और वीडियो कॉल होने के बाद वो वीडियो कैप्चर की गई, यानी कि उसी तरीके से जो वीडियो बनाते हैं, उसमें एक लड़की उस तरफ से दिखाई दे रही थी और वो अपने वीडियो पर इस तरफ थे। ऐसा उनको जानकारी थी ही नहीं, क्योंकि अभी रिसेंट में उन्होंने फ़ोन लिया था, और ऐसी उनके पास कोई जानकारी थी भी नहीं कि ऐसी चीज़ें कुछ चल रही हैं आज के टाइम में। तो उन्होंने उसको काफ़ी एंटरटेन किया, बातें करी उससे, उन्होंने वीडियो बनाया, और वीडियो को भी ओपन खुल के बनाया। थोड़ा बहुत होता है तो इंसान थोड़ा बहुत समझता है कि ये चीज़ें, उनको जानकारी ही नहीं थी कि ये चीज़ें हो भी सकती हैं। तो ऐसा उनके साथ में हुआ, उनका वीडियो बन गया, और वीडियो बनने के बाद वही वीडियो फिर उनके पास वापस किया गया, और वापस करने के बाद जब उन्होंने देखा तो आदमी ज़मीन तले, पैरों के तले से ज़मीन निकल जाती है जब ऐसी चीज़ें देखता है इंसान कि मैंने ही ऐसा किया है। और उसके बाद उनसे डिमांड स्टार्ट हुई पैसे की, 10,000, फिर उसके बाद 21,000, और फिर ऐसे लगातार डिमांड बढ़ती गई। लेकिन हालांकि उन्होंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया। आपसे ही मैं कहता हूं कि अगर ऐसी आपके घटना हो जाती तो आप पैसा बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी, लगातार बढ़ती जाएगी, और समय ऐसा आएगा कि आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा पैसे के लिए।
तो बहरहाल इनके साथ में ऐसा हुआ, तो उन्होंने पैसा वगैरह तो नहीं दिया, और इनके जो जो मैसेज फेसबुक पर जो फ्रेंड थे उनको भी इनकी जो वीडियो थी, जब पैसा नहीं दिया तो उनकी वीडियो उनको शेयर कर दी गई, भेज दी गई कम से कम 5-10 लोगों के लिए, और उनमें से उसी का जो जिन्होंने इनको भेजी थी उसी का स्क्रीनशॉट ले लेकर उनको वापस उनके व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया कि देखो मैंने तुम्हारे इतने दोस्त हैं, इतने लोगों को मैंने आपकी वीडियो जो है वो भेज दी है, अब आप बताइए क्या करना है, और आप चाहते हो कि मैं आपको और शेयर करूँ दूसरे लोगों के साथ में, या फिर कुछ अभी मुझे जो मैं कह रहा हूँ आपसे वो पैसा पे करोगे। तो इंसान मजबूरन करे तो करे, क्या करें, ऐसे समय पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उनको। तो फिर उन्होंने सर्च किया यूट्यूब पर कि कहीं मुझे कोई ऐसा चीज़ मिल जाए, जानकारी मिल जाए। उन्होंने बताया कि सर मैंने इसकी शिकायत अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन में भी दी, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या, वहाँ पर मेरी सुनी भी नहीं गई। मुझे जब मैं गया तो मुझसे कह रहे कि ऐसा तो कोई ऐसा आपका कुछ नहीं है, ऐसा आपने गलती करी है तो आप ही भुगतो, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, मतलब बहुत सारी बातें उनको डांट के और गलत उनको बोलकर वहाँ से भगा दिया गया पुलिस स्टेशन से। यानी कि उनकी ना ही तो FIR दर्ज हुई, ना ही उनकी कोई सुनी गई। तो जब इंसान थक जाता है, हार जाता है, तो फिर वो वापस घर पर ही आता है, और घर पर आके फिर उन्होंने यूट्यूब पर ही कुछ सर्च किया और देखा कि क्या ये चीज़ें कुछ रिजॉल्व सॉल्यूशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो बता रहे थे कि सर मुझे आपकी सबसे पहले वीडियो मुझे आपकी मिली, और मैंने आपकी भी एक वीडियो देखी, और देखने के बाद फिर मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, और अब मैंने आपको कॉल किया सर, और मुझे आप पर विश्वास है कि आप 100% मुझे इस चीज़ से निकाल देंगे, और निकालने के साथ साथ में मुझे समाधान भी देंगे कि मैं कैसे इन सब चीज़ों से बच सकता हूँ। तो आपकी वीडियो देखने के बाद मुझे विश्वास हुआ, और मुझे ट्रस्ट है आप पर, और मुझे विश्वास है कि आप मुझे इस ब्लैकमेलिंग से बाहर निकाल दोगे, और मैं सर बहुत परेशान हूँ, मुझे मेरी मदद करें किसी भी तरीके से, मुझे इस चीज़ से बाहर निकालें, क्योंकि मैं 3 दिन हो गए मैंने अब तक ना ही तो खाना खाया है, और ना ही मैं रात को सो पा रहा हूँ सही से, मेरा माइंड जो है मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या, तो सर प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तो उन्होंने मुझे बताया ये बात, फिर मैंने उनको बहुत सारी बातें बताई, क्योंकि लीगल चीज़ें हैं ये, एक इंसान को बताने के लिए, समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बतानी होती हैं, तो उन्हीं के साथ साथ में। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात ये भी बताना चाहूँगा आपके साथ में, क्योंकि वो एक लीगल है, और उसमें मैंने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी चीज़ें समझाई उनको, सब तब जाके वो समझ में आया उनके। और बस एक मैं और बेसिक चीज़ कहना चाहूँगा आपके लिए, अगर आपके साथ में ऐसी कोई घटना होती है, ऐसा आपको किसी ब्लैकमेलिंग फंसाया जाता है, आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाती है, तो आप सबसे पहले सूचना साइबर सेल को करवाएं, किसी भी जो एक्सपर्ट है एडवाइस दे सकता है आपके लिए, आप उनसे मिलें, ताकि आप उनकी बात समझकर अपने आप को समझा सकें और बता सकें। क्योंकि लोग ऐसे समय पर बहुत ही ज़्यादा गलत निर्णय ले लेते हैं, और गलत चीज़ें सोचने लगते हैं कि अब जीवन में मेरे बचा नहीं है, क्योंकि एक इंसान होता है सबसे ज़्यादा उसे प्यारी होती है अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, और वही जब चली जाती है तो फिर व्यक्ति जीने का आधार जो है वो खो देता है। इसीलिए ऐसे समय पर आप अपने आप को परेशान ना करें, एक एक्सपर्ट की एडवाइस लें, और एक्सपर्ट से पूछें कि क्या सर मुझे करना चाहिए, और जैसे जैसे वो आपको स्टेप बताता है वैसे ही स्टेप आप फॉलो करें, ताकि आप आने वाले समय में सेफ हो सकें, सुरक्षित हो सकें, और अपने आप को बचा सकें। तो ऐसे समय पर जैसे जिस तरह की परेशानी आती है, तो आपको ज़रूरी है एक्सपर्ट एडवाइस की, और अगर आपको कोई एक्सपर्ट एडवाइस नहीं मिलता है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर ही हमारे संपर्क कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और सबसे पहली बात है इसमें कि जब भी आप हमें फ़ोन करें, तो हमें ट्रस्ट के साथ करें, विश्वास के साथ करें। बहुत सारे जो हमें फ़ोन करते हैं तो हमसे ही मतलब बेकार ऊटपटांग जैसे सवाल पूछने शुरू कर देते हैं हमसे ही। तो ऐसे जो व्यक्ति अगर आपके मन में सवाल गलत हैं, तो आप हमसे फ़ोन करें ही ना, ना अपना समय बर्बाद करें, ना हमारा समय बर्बाद करें। तो बेहतर है कि आप हमें एक जो विश्वास आपका अगर हम पे है, हमारी एक वीडियो है, उसके बाद और सारी वीडियोज़ हैं, आप वो देखें सभी, और देखने के बाद फिर आप हमें कॉल करें, और कॉल करें तब आप विश्वास के साथ रखें, आपका विश्वास हमेशा बना रहेगा। मैंने मुझसे कुछ लोग ये भी कहते हैं सर मेरी जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ तो वो कहीं पर किसी प्रकार से शेयर तो नहीं होगी, तो आप इस बात से निश्चिंत रहें, मैंने आपकी क्या किसी की भी आज तक कोई भी बात किसी के साथ शेयर नहीं करी, बट हाँ मैं एग्जांपल के द्वारा जरूर बताता हूँ, ताकि आप सब लोग उसे सीख ले सकें और उसको समझ सकें कि हाँ इस तरह की चीज़ें हैं। बस मेरा इतना ही उद्देश्य है, और आप सब लोग और हम मिलकर एक ऐसी चीज़ें बनाएं, ऐसा करें, ताकि आने वाले टाइम में जो ब्लैकमेलर हैं उन सभी का पर्दाफाश हो सके, और दुनिया हर व्यक्ति जागरूक हो सके कि हाँ इस तरह की चीज़ें हैं, और वो फिर फंसने से बच जाए।
तो बहरहाल इतना ही हमारे एक कोशिश है, और आप सब लोग इस चैनल को देखें, तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो है वो आपको सीधे पहुंच सके और एक नई नई जानकारी आपको हो सके। बहरहाल आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।